नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कठुआ से डोडा तक सक्रिय आतंकियों की मदद करने वाले मास्टरमाइंड समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कठुआ के अंबेनाल के रहने वाला मोहम्मद लतीफ उर्फ हाजी लतीफ की मुख्य सरगना है, आतंकियों के नेटवर्क को चला रहा था। पकड़े गए लोगों में हाजी लतीफ का बेटा लियाकत, भाई नूरानी निवासी जुथाना और बाकी लोग भी शामिल है। वो सभी कठुआ के रहने वाले हैं। लतीफ पाकिस्तान के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने के साथ ही आतंकवादियों की मदद किया करता था। इसका खुलासा हीरानगर के सैड़ा सोहल में 11-12 जून को आतंक वादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान हुआ। सूत्रों के मुताबिक लतीफ घुसपैठ कर आने वाले आतंकवादियों के लिए गाइड का काम किया करता था। सौड़ा सोहल मुठभेड़ में शामिल आतंकियों को सांबा से कठुआ के इलाके में एंट्री कराने और कैलाश कुंड के पास सुरक्षित पहुंचाने का काम हाजी और उसके परिवार के सदस्यों ने ही किया था। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को शामिल करते हुए आतंकी मददगारों का एक ओवरग्राउंड नेटवर्क भी तैयार किया था। हाजी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैंडलरों के नीचे संपर्क में था। डोडा के गधों में मारे गए 3 आतंकवादियों को भी हाजी लतीफ ने पनाह दी थी। लतीफ अब तक 20 से ज्यादा आतंकवादियों को घुसपैठ के बाद सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा चुका है। 60 साल का सरगना पूरे नेटवर्क पैसों के लिए चला रहा था। एडीजीपी आनंद जैन ने बताया कि लतीफ को उधमपुर, कठुआ, डोडा जिलों के पहाड़ों और जंगलों के ऊपरी पहुंच में कैलाश पर्वत के आसपास की जानकारी है। वो इलाके में ओजीडब्ल्यू के पूरे नेटवर्क का सरगना है। इलाके से गुजरने वाले आतंकवादियों के समूहों के लिए गाइड आदि के रूप में काम किया करता था। लतीफ ने आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने, उनके लिए खाने पीने का सामान मुहैया कराने के लिए दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ा। किसी को 500 तो किसी को 1000 रुपए देकर उनसे आतंकवादियों के लिए सामान जमा किया। मोहम्मद लतीफ अख्तर अली निवासी अंबेनाल, नूरानी निवासी जुथाना, मकबूल जो सोफेन का रहने वाला था, इसके साथ ही लियाकत, कासिम दीन, खादिम उर्फ काजी कट्टल, भड्डू, सद्दाम, कुशाल जो बिलावर का रहने वाला था, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मिली लीड और डोडा गंधों मुठभेड़ से मिले सुराग हाजी तक पहुंचने में मददगार साबित हुए। पुलिस ने कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों में बनाई गई ढोक में रहने वाले 50 चरवाहों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। ये वो लोग थे जो आतंकवादियों के संपर्क में आए थे, जिनसे आतंकवादियों ने मदद करने को कहा था। इनमें से कुछ ने तो पुलिस को बताया कि उन्हें आतंकवादियों ने पैसे देकर सामान भी मंगवाया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी। इन्हीं में मोहम्मद लतीफ भी शामिल था जो पूरे नेटवर्क को चला रहा था। बता दें कि आतंकी चरवाहों के रूट इस्तेमाल कर रहे थे, इनके द्वारा ऊपरी इलाकों में बनाई गई ढोक में रह रहे थे। इन रूट का दशकों पहले से इस्तेमाल होता आया है। इन इलाकों में सेना की मूवमेंट भी नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठनों ने चरवाहों से संपर्क किया, उनके जरिए घुसपैठ की ओर अपना नेटवर्क तैयार किया। इन मददगारों के पकड़े जाने के बाद इस बात का भी खुलासा हो गया कि डोडा, किश्तवाड़ से लेकर रियासी और उधमपुर तक पहुंचने वाले आतंकवादियों के दल ने सांबा कठुआ में आईबी के रास्ते घुसपैठ की थी। सूत्रों का कहना है कि लतीफ को आतंकवादी नेटवर्क चलाने के लिए बड़े स्तर पर पैसा मिला करता था। करीब 10 से 15 लाख रुपए वो ले चुका था और उस पैसे से ही उसने आतंकियों के लिए ये नेटवर्क भी खड़ा किया था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।